मुजफ्फरनगर में आज लाइसेंस रखने वाले मीट व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर अपना रोष जताया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से चलाई जा रही मीट की दुकानों को तो प्रशासन पहले ही बंद कर चुका है, लेकिन जिन मीट व्यापारियों के पास लाइसेंस है आज उन्होंने भी उन व्यापारियों का साथ दिया जिनकी दुकानें प्रशासन पहले ही बंद कर चुका है। आज के बंद में मीट बाजार में जहां दुकानों पर ताले लटके नजर आए तो वहीं व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और शासन प्रशासन के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर किया। कैमरामैन अमित कुमार के साथ नीरज कुमार की रिपोर्ट, GNA इंडिया। आज जो बंद का ऐलान जो कर रखा था, किस तरीके का बंद रहा लाइसेंस दिन के बाद में? पूरे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस बिरादरी का जो ऐलान था वो बंद का था और बंद भी पूरा उत्तर प्रदेश में सभी दुकानें बंद रही और सभी स्लाटर हाउस तो पहले बंद कर दिए गए थे। मैं चाहता हूँ योगी जी से एक मामला हमारा कि हमारे जो मामले हैं इतने पेचीदा हो गए, लोग आज भुखमरी पे आ गए। जिनकी दुकानें आज है 3,000 नौकर काम करते थे हमारे यहाँ, वो 3,000 के जिनके बच्चे 10-10 है, 12-12 है, किसी के कोई भूख के मर जाएंगे, उनके उनके लिए रोजी रोटी कहाँ से लाएगा? किन लोगों ने बंद किया है आज? ये प्रशासन ने बंद करा रखा जी सब, हमने तो बिरादरी सब ने बंद कर दिया, पूरी बिरादरी। इनके पास लाइसेंस वाले ने बंद कर दिया, बिना लाइसेंस वाले ने भी आज बंद कर दिया। लाइसेंस वालों ने बंद कर दिया। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे ने खोले और उनको बेरोजगारों को रोजगार दे, इनको और कोई काम नहीं आता, इन पर कपड़े का काम दे दो, जूते का दो, हमें कोई काम दो, हम काम लेना चाहते हैं, हमें काम दे। किस तरह का हक चाहिए आप लोगों? हमें तो हक चाहिए, हमारा इन लोगों को हक चाहिए, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, ये जरा जरा से छोटे बच्चे खड़े, बताओ उनके लिए कहाँ चला, ये छोटे छोटे बच्चे जो काम करने वाले बिगाड़ हो गए। क्या कोई किसी तरह का डर है किसी अधिकारी का? डर तो डर पूरी सरकार का डर है, पूरी सरकार का डर है, अधिकारी का डर है, सबका डर है। योगी जी को लेकर नहीं, योगी जी का हमें डर नहीं है, योगी जी ने फैसले बहुत अच्छे कहे, मगर ये है कि किसी को रोजगार तो दिया जाए, जो जो भूखा मर गया जो है, हम तो योगी जी कह रहे हैं कोई ऐसा योग बता दो जो अलग से हटके हो, ये योगी वो योग शुरू कर सके, उस योग पर जाएंगे हम तो 5-6 माह आश्रम पर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम लाइसेंस है नगर पालिका के, लाइसेंस हमारे बने हुए हैं दुकानदारों के, 122 लाइसेंस है बने हुए, उन लोगों ने भी बंद करी क्योंकि प्रशासन जो ये कह रहा है भाई बंद करो चीज घेरो, तो इसलिए हमने भी बंद ही कर दी है। और जो हम अपनी अपील कर रहे हैं अपने जिलाधिकारी साहब से भी और योगी जी से भी, भाई जो हमारा काम है जो हजारों साल पुराना है, कोई आज का नया तो काम है नहीं, स्लाटर हाउस बंद है उसे ठीक करा के हमें दिया जावे और हमारा कारोबार चलाया जावे। गलत काम और मान लो कोई गौ कृषि का काम कर रहा है उसके खिलाफ है, सब बिरादरी, सब सारी बिरादरी है, पूरी कौम है, पूरी कौम। उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसे मारो पिटो, कोई बिरादरी नहीं बोलेगी जो वैसा गलत काम करेगा। वैसे हम सब प्रशासन के साथ हैं, योगी के साथ हैं, योगी ने बहुत बढ़िया काम करा।